हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं समीर आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल डिजिटल पावर में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था जिसमें मैंने बताया था कि एनसीआरटीसी के द्वारा एक रिक्रूटमेंट जारी किया गया जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो ट्रेड कैटेगरी के स्टूडेंट है उनको अप्लाई करने का मौका दिया गया है और ये रेलवे और स्टेट गवर्नमेंट का एक ज्वाइंट एडवेंचर है जिसमें आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत से कमेंट आ रहे थे इसकी अप्लाई के वीडियो बनाइए, तो अप्लाई फिलहाल यहाँ पे 15 से डेट दिया गया था लेकिन 15 से शुरू नहीं किया गया, अभी फिलहाल 21 से यानी 21 सितंबर 2021 से शुरू किया गया है। तो इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई अपने मोबाइल फोन से अपने घर बैठे कैसे कर सकते हैं आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले करेंगे गुजारिश कि चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, आपको अपना मोबाइल का क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, जैसे मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, अपना फोन से ही आप फॉर्म अपना फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आपको सर्च बार में टाइप कर देना है ncrtc.in। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फॉर्म कैसे फिलअप करना है आप ये प्रोसेस आप पहले देख लीजिए। यहाँ पे वेबसाइट आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है, इसको आपको डेस्कटॉप साइड करना है। डेस्कटॉप साइड करने के बाद अब आपको मिलेगा ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए फ्रेंड्स कैरियर का, कैरियर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक दिया हुआ है। अगर नहीं दिया है तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट जब आप क्लिक कीजिएगा तो आप इस वेबसाइट के इसी पेज पे आ जाएगा जहां से आप ऑनलाइन अभी हम शुरू कर रहे हैं। तो यहां पे जॉब टाइटल O&M वैकेंसी इसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको दे चुके हैं कि आवेदन कौन कौन कर सकते हैं। अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो के आई बटन में वीडियो के अंत में आपको लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट क्लिक करके आप इस वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद फॉर्म फिलअप कीजिएगा। क्वालिफिकेशन के साथ पूरा डिटेल्स वहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पे अब मिलेगा आपको देखने के लिए फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इसका रजिस्ट्रेशन वाला पेज कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा, इसको भी आपको डेस्कटॉप साइड जरूर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है, सब पढ़ना चाहते तो पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पे उसको क्लोज पे क्लिक कीजिएगा। क्लोज पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन वाला डिटेल्स फिल करना है। सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है, आपको अपना मोबाइल नंबर कंफर्म करना है। एक बात आप ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, जब आप अपना नाम डालिएगा आप अपने सर्टिफिकेट के अनुसार ही अपना नाम फिल कीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना ईमेल मोबाइल नंबर कंफर्म करने के बाद ईमेल आईडी डाल देना है, फिर ईमेल आईडी कंफर्म करना है और यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और जो कैप्चा दिया हुआ है इस कैप्चा का आपको नीचे फिल करना है। के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा एग्री का ऑप्शन, एग्री पे भी चेक बॉक्स करना है और आपको सबमिट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज आएगा, यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि अगर आप सब कुछ सही है तो ही यहाँ पे कंफर्म करें, अदरवाइज इसमें आप सबमिट करने के बाद कोई भी चेंजेस नहीं किया जाएगा। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको मिल जाएगा कॉन्ग्रेचुलेसन यू हैव सक्सेसफुल रजिस्टर और यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी मिलेगा। इस लॉगिन आईडी को यहाँ से कॉपी कर लेना है या चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, जैसा मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। और जो इसका पासवर्ड होगा, इसका पासवर्ड जो बोला जा रहा है आपके ईमेल आईडी जो आपका दिया गया है इस ईमेल आईडी पे भेजा गया है, तो हम अपने चलते हैं ईमेल आईडी पे। पहले यहाँ पे आप नीचे जब स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन डिटेल्स मिल जाएगा देखने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आपको तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स एनसीआरटीसी की तरफ से एक मैसेज आया है, यहाँ पे आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा, देख सकते हैं जैसा मैंने हाइड करके रखा हुआ है, यहाँ पे आपको यूजर आईडी और यहाँ पे आपको पासवर्ड मिल जाएगा। अगर किसी कारणवश आप लॉग आउट हो जाते हैं तो आप इस यूजर आईडी और इस पासवर्ड की सहायता से दोबारा आप लॉग इन हो सकते हैं। की तरफ तो यहाँ पे आपको मिलेगा, देख सकते हैं आपको पर्सनल डिटेल्स और यहाँ साइड में आपको मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको मिलेगा, देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई का ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इसका फॉर्म कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा।
तो वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है, क्लोज करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है और इसको आपको डेस्कटॉप साइड देख सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे डेस्कटॉप साइड अगर नहीं है तो आपको इसको डेस्कटॉप साइड करना है। मैं इसको डेस्कटॉप साइड कर देता हूँ। उस बाद नीचे यहाँ पे स्क्रॉल कीजिएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको देखना है कि आपका जो प्रोसेस होगा, पोस्ट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स और उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने का प्रोसेस होगा। चार स्टेप में फॉर्म फिलअप करना है। नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पे पोस्ट डिटेल्स पे आप क्लिक कीजिएगा, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं। तब क्लिक करके अपना पोस्ट सेलेक्ट कीजिएगा, अप्लाई कर रहे हैं किस पोस्ट के लिए, तो यहाँ से अपना जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे जो सभी दिया है, बहुत सारे यहाँ पे है, यहाँ से आप क्लिक करके आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं फिलहाल यहाँ पे टेक्नीशियन सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद सेंटर चॉइस आपको मिलेगा कि कहाँ आप सेंटर लेना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ बिहार में सेंटर है या नहीं है। यहाँ पे नहीं दिया है सब स्टेट में सेंटर, लेकिन यहाँ पे दिया है कुछ चुनिंदा चुनिंदा शहरों में, जिसमें मैं यहाँ पे लखनऊ डाल देता हूँ। लखनऊ फर्स्ट सेंटर, यहाँ पे सेकंड चॉइस मैं यहाँ पे फिल कर दूंगा। इसमें मैं यहाँ पे देना चाहूँगा फ्रेंड्स दिल्ली, क्योंकि यह मेरे से नज़दीक पड़ेगा दिल्ली। सेकंड, उसके बाद थर्ड सेंटर यहाँ पे आपसे मांगा जाएगा। थर्ड सेंटर आपको फिल करना है, चॉइस सेंटर आपको पूरा फिल करना है। बस आपको यहाँ पे मैंडेटरी दिया गया है, तीनों सेंटर आपको तीनों चॉइस फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है, आप किस कैटेगरी से आते हैं आप अपना सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे ओबीसी से आता हूँ, ओबीसी सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे अप्लाइंग कैटेगरी यहाँ पे कौन सा होगा, तो ओबीसी मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि मैं ओबीसी के अंतर्गत ही आता हूँ, तो मैं यहाँ पे ओबीसी सेलेक्ट कर दूँगा, क्योंकि यहाँ पे अपना कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है। आपको मिलेगा नीचे यहाँ पे नोट का ऑप्शन, यहाँ पे बताया गया है कि जो कैंडिडेट एससी एसटी ओबीसी से आते हैं वो अगर यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं तो स्वयं डॉक्यूमेंट्स आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय फिजिकल वेरिफिकेशन आपको कराना होगा। अगर ये आप नहीं करा पाते हैं तो आपका जो प्रोसेस है वो यानी कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको कैंडिडेचर भी कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ क्लिक करना है, यहाँ से आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, आप कौन से जेंडर आते हैं। उस बाद यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कीजिएगा आएगा कि आपकी उम्र कितनी हो गई है। उसके बाद अगर एक्स सर्विसमैन है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव हो जाएगा, ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यानी पर्सनल डिटेल्स फिल करने के लिए तो यहाँ पे आपको अपना फादर्स नेम डालना है, यहाँ मदर्स नेम, यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है कि आप मैरिड है या अनमैरिड है। उसके बाद यहाँ पे आपको नेशनलिटी सेलेक्ट करना है कि आपका नेशनलिटी क्या है, इंडियन है, इंडियन सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कॉरस्पोंडेंस एड्रेस आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको अपना कॉरस्पोंडिंग एड्रेस डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट करना है कि आप किस स्टेट से हैं, तो मैं यहाँ पे बिहार से हूँ, बिहार सेलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, यहाँ से आपको सभी डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, तो मैं यहाँ वेस्ट चंपारण से हूँ, सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको सिटी डालना है और यहाँ पे आपको एरिया पिन कोड फिल कर देना है। फिल करने के बाद यहाँ पे आपसे मांगा जाएगा कि अगर दोनों एड्रेस यानी जो परमानेंट एड्रेस है और कॉरस्पोंडेंस एड्रेस है दोनों सेम है, उस कंडीशन में आपको यस करना है, दोनों एड्रेस ऑटोमेटिक आपको सेम हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है और ओके पे क्लिक कर देना है। आप नेक्स्ट पेज पे आ जाए गए हैं और यहाँ पे आपको अपना क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको डालना है मैट्रिक का डिटेल्स डालना है कि आप मैट्रिक, नेम ऑफ बोर्ड या काउंसलिंग, तो आप अपने बोर्ड का किस बोर्ड से पास किए हैं। उसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर डालना है कि आप किस वर्ष पास किए, तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 2012 में पास किया हूँ मैट्रिक डिटेल्स, तो मैं यहाँ पे 2012 डालूंगा और यहाँ से सेलेक्ट कर दूंगा 2012। फ्रेंड्स 2012 आ गया, बस सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डालना है परसेंटेज ऑफ मार्क्स, यानी आपका मार्क्स कितना परसेंट आया, यहाँ पे आपको डाल देना है, आपको परसेंटेज डाल देना है। और यहाँ पे आपको नेम ऑफ इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी आपको डालना है कि किस इंस्टीट्यूट यानी स्कूल या से आप पास किए हैं या यूनिवर्सिटी से। मैंने यहाँ पे अपना स्कूल का नाम डाल दिया है। इसी तरह यहाँ पे आपको मिलेगा 12th का डिटेल्स फिल करने के लिए, यहाँ पे आपको किस बोर्ड से किए, कब पास किए, कितना परसेंट मार्क्स था और यहाँ पे कौन से स्कूल से आप पास किए, डिटेल्स पूरा फिल कर दिया। अब आपको आएगा
यहाँ पे मेन डिटेल्स आपको इसको ध्यान से भरना है। सबसे पहले यहाँ पे आप जो आईटी यानी मैं टेक्नीशियन सेलेक्ट किया हूँ तो मुझे आईटीआई डिटेल्स फिल करना है। यहाँ से आपको स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करना है, कौन सा ट्रेड से थे, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको डालना है नेम ऑफ बोर्ड और काउंसलिंग, तो जारी करता है एनसीबीटी और एससीबीटी, तो मैं जो था एनसीबीटी से था, एनसीबीटी यहाँ पे मैं फिल करूँगा। यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग कब पास किए, तो मैं यहाँ पे बता दूँ फ्रेंड्स, आपका जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा उस पर दिया गया होगा या आपको भी पता होगा कि आप पास कब किए, तो सेशन जो होता है उस सेशन के हिसाब से आप पता कर सकते हैं कि आप कब पास किए। पासिंग ईयर यहाँ पे आपको डाल देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल्स फिल कर लिया है। यहाँ पे आपको पासिंग ईयर, यहाँ पे परसेंटेज डालना है। परसेंटेज कैसे निकालना है, आपका जितना भी मार्क्स आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे मेरा आया था 2183 और टोटल जो सब्जेक्ट होता है आपको 2700 का होता है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, उसे डिवाइड कर दीजिएगा, परसेंटेज आप निकाल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको परसेंटेज डालना है, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी या अपना इंस्टीट्यूट का नाम डाल दीजिएगा जिस इंस्टीट्यूट से या कॉलेज से आप आईटीआई किए होंगे। पूरा डिटेल्स फिल करने के बाद एक बार चेक कर लेना है पूरा डिटेल्स सही है या नहीं है। सही हो उस कंडीशन में आपको सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने आएगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा वो आपको, लास्ट स्टेप मेरे पास यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट का है, और पेमेंट यहाँ पे आपको 500 रुपये करने हैं। उसके बाद पहले यहाँ पे आपको मिलेगा कि यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज कलर फोटो अपलोड करना है जो 3 वीक से कम होना चाहिए, देख सकते हैं नॉट मोर देन 3 वीक ओल्ड, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको अपना जहाँ अपना पासपोर्ट साइज फोटो रखे होंगे वहाँ से आपको अपलोड करना है। यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आपके सामने आपको फाइल आपका ओपन होगा जहाँ आप फोटो रखे होंगे करना है। जैसे सेलेक्ट कीजिएगा फोटो इस तरह हो जाएगा अपलोड, उसके बाद आपको क्लोज पे क्लिक कीजिएगा, आपका जो फोटो होगा उस आपको अपलोड हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आप अपलोड जो कीजिएगा डॉक्यूमेंट्स, सब डॉक्यूमेंट्स इस तरह से आपको अपलोडेड मिलेगा। उसी तरह यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। इसका साइज जो होगा, फोटो और सिग्नेचर की बात कर दें तो इसका साइज होता है 88 KB के अंदर होना चाहिए। जी फ्रेंड्स, 88 KB के अंदर होना चाहिए, और डॉक्यूमेंट का जो साइज होना चाहिए आपको जेपीईजी या जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और 1 MB से कम होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स जो होगा 1 MB से कम होना चाहिए सभी डॉक्यूमेंट्स, और फोटो का साइज जेपीजी में या जेपीईजी में और 88 KB के अंदर में होना चाहिए। सभी डॉक्यूमेंट्स हम अपलोड कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे सभी डिटेल्स जो मैंने अपलोड कर लिया है यहाँ पे देख सकते हैं। एक बार मैं फिर आपको बता दूं, अपलोड आपको करना है फोटो, सिग्नेचर, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यानी मार्कशीट, सेल्फ अटेस्टेड आईटीआई का सर्टिफिकेट यानी यहाँ पे कंसोलिडेटेड मार्कशीट आपको सेल्फ अटेस्टेड करके अपलोड करना है। अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट ही अपलोड करना है। कास्ट सर्टिफिकेट आप जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिएगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये चाहे वो आपका मेडिकुलर सर्टिफिकेट हो या आईटीआई सर्टिफिकेट हो या आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो, वो आपको पूरा डिटेल्स मैंने बता दिया है। सब डिटेल्स अपलोड करने के बाद, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कीजिएगा और यहाँ पे एग्री करके, और उसके बाद आपको सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे सबमिट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपसे पूछा जाएगा आर यू श्योर वांट टू सबमिट, अगर सब डिटेल्स सही है तो आपको ओके पे करना है क्लिक। ओके पे जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा आपको डायरेक्ट रीडायरेक्ट किया जाएगा प्रिंट वाला पेज पे। प्रिंट वाला पेज जब आप क्लिक करेंगे तो प्लीज पेज को रिफ्रेश ना करें, बैक ना जाए, वरना आपकी पेमेंट कट जाएगी तो दोबारा वापस नहीं आएगी, ध्यान रखिएगा। अब आपके सामने पेज ओपन होगा कि आप पेमेंट कैसे करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से या इंटरनेट बैंकिंग की सहायता से। तो आपके पास जो सुविधा उपलब्ध हो आप यहाँ पे पेमेंट सेलेक्ट कीजिएगा। मैं यहाँ पे करने वाला हूँ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से। तो यहाँ पे आपको अब क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको अपना कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड का यानी एटीएम कार्ड का कार्ड नंबर, यहाँ एक्सपायरी डेट, यहाँ पे सीवीवी नंबर, यहाँ पे कार्ड होल्डर का जैसा नाम है कार्ड पे वही नाम आपको फिल करना है, और उसके बाद मेक ए पेमेंट फॉर यानी 500 पे आपको क्लिक करके क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल पे रजिस्टर जो बैंक में होगा उस पर OTP आएगा, OTP डाल के आप इसको पेमेंट वेरीफाई कर सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स,
तरह से आप अपना पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फिल कर सकते हैं आप अपने मोबाइल फोन से आप अपने घर बैठे। तो फ्रेंड्स आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिल कीजिएगा, पेमेंट कीजिएगा, पेमेंट करते वक्त सावधानियां बरतिएगा। अगर फॉर्म फिलअप करने में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है वहां पे आप जाके इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यहां तक कि उसमें व्हाट्सएप ग्रुप भी प्रोवाइड किया गया है, वहां पर भी अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नए अपडेट, नए वीडियो, नए रिक्रूटमेंट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।